जो मिट्टी ड्रॉ करेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, वर्टिकल लाइन, फिर से हॉरिजॉन्टल लाइन सेलेक्ट, लाइन को सेलेक्ट कर लेंगे और कंस्ट्रक्शन ओके, सर्कल ड्रॉ करेंगे, सॉरी डायमेंशंस में जाएंगे, स्लैंट लेंथ रुकना 26 एम एम, लेंथ को रखेंगे 8 mm और इस लेंथ को रखेंगे 39 mm, ओके सर्कल ड्रॉ करेंगे, एक सर्कल, दो सर्कल, तीन सर्कल, चार सर्कल, टोटल चार सर्कल ड्रॉ कर लें, ओके सर्कल को सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट की दबाएंगे और सर्कल को सिलेक्ट करेंगे, मेक इक्वल, ओके स्मॉल डायमेंशन में जाएंगे, सर्कल का डायमीटर रखेंगे 12 mm, स्मॉल डायमेंशन सर्कल सेलेक्ट करेंगे 12 mm, ओके आउटर सर्कल का डायमीटर रखेंगे 20 mm, और इस वाले सर्कल का डायमीटर रखेंगे 13 mm कर लेते हैं, ओके ये पॉइंट आर्क सेलेक्ट करेंगे, इस सर्कल से लेकर सर्कल तक आर्क ड्रॉ कर लेंगे, ओके और इस सर्कल से लेकर सर्कल तक आर्क ड्रॉ करेंगे, फिर दोबारा से सर्कल से सर्कल के कारण ऐसे सिलेक्ट कर लेंगे, स्मार्ट डायमेंशन में जाएंगे, सर्कल का रेडियस रखेंगे हम 20 mm, सॉरी 5 का रेडियस और इस आर्क का रेडियस रखने 30 mm, सर्कल को सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट की दबाएंगे, आर्क सिलेक्ट करेंगे, मेक रिलेशन टेंजेंट, अब इस सर्कल को सिलेक्ट करेंगे, फिर से आर्क सिलेक्ट करेंगे, रिलेशन टेंजेंट, सेम सर्कल सेलेक्ट करेंगे, आर्क सेलेक्ट करेंगे, मेक टेंजेंट, ये गलत जा रहा है तो कंट्रोल जेड का प्रेस कंट्रोल करेंगे, सर को पुश करेंगे अगर हो रहा है तो, फिर से सर को सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट दबाएंगे इस आर्क को सेलेक्ट करेंगे, सेम नीचे भी करेंगे, सर्कल को सिलेक्ट करेंगे, आर्क सिलेक्ट करेंगे, रिलेशन टेंजेंट, सर्कल सिलेक्ट करेंगे, आर्क सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट की दबाने के बाद सिलेक्ट करेंगे, सर्कल सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट दबाएंगे, आर्क सिलेक्ट करेंगे,
अभी सर को कुछ रख कर लेंगे, सार को सिर्फ कर लेंगे, रिलेशन तो हम जो सेम प्रोसेस सर्कल सिर्फ करेंगे, शिफ्ट की दबा के आर्क सिर्फ करेंगे, क्या रिलेशन तो हम जो ओके। तो ये हमारा स्केच है, अब जाएंगे फीचर्स में, एक्सट्रूड बॉस फेस। सबसे पहले इन दोनों सर्कल को सिलेक्ट करेंगे, कंडीशन में प्लेन रखेंगे, इसको हम एक्सट्रूड कर लेंगे 8.5 में। बॉस बेस में जाएंगे, स्केच सिलेक्ट करेंगे और फिर से एक्सट्रूड करेंगे, इस बार इन दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे, कंडीशंस मिड प्लेन, सबका मिड प्लेन ही रखेंगे, इसको हम एक्सट्रूड करेंगे 5 में। ओके स्केच टू सेलेक्ट करेंगे फिर से और फिर से एक्सट्रूड करेंगे और इस बार हम सर्कल को सेलेक्ट कर लेंगे, कंडीशन मिड प्लेन, इसको हम एक्सट्रूड करेंगे 22 में, 22 में ज्यादा बड़ा हो रहा है, 21 कर लेते हैं। अफिलिएट यूज कर लेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, रेड का रेडियस रख लेते हैं 1.5 में, अभी कॉर्नर को सिलेक्ट कर लेंगे, साइड साइड से साइड को हो गया, साइड में सिलेक्ट कर लेंगे, तो आप चेक करेंगे टॉप प्लेन, रेफरेंस में जाएंगे, प्लेन बनाएंगे, प्लेन फ्लिप टॉप से नीचे साइड में बनाएंगे, ओके प्लेन सिलेक्ट करेंगे, स्केच और मल्टी, एक सर्कल ड्रॉ करेंगे हम, ओरिजिन पॉइंट से सर्कल ड्रॉ करेंगे, सर्कल सेलेक्ट करेंगे, ओरिजिन पॉइंट सेलेक्ट करेंगे, इसका रेडियस 10 एम रखेंगे, बारी डायमीटर ओके, फीचर्स में जाके इसको भी एक्सट्रूड कर लेंगे, इसको एक्सट्रूड करेंगे 7 mm। प्लेन साइज सेलेक्ट नहीं हो शायद,
स्पेन को सिलेक्ट कर लेंगे, फिर से वीट फीचर्स में जाएंगे और नीचे करने के लिए हम आटन कर देते हैं यहाँ पे। ओके आठ आठ भी सही लग रहा है, कर लेते हैं, दस ज्यादा बेटर रहेगा। रियल असाइन कर लेते हैं से। ओके फिर से फिलेट यूज कर लेते हैं स्टोन का फिर, और इस सर्कल को फेस एक बार फिर से फिलेट यूज कर लेते हैं स्पेस को सही करने के लिए। दोनों साइड का